भाई बहुत सही लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। धनौल्टी वाले रूट पे हम लोग पहुंचे। अभी देखो ये स्नोफॉल से सब खेलने लगे। तो आज हम लोग यहाँ होटल से चेकआउट करेंगे और आज जो है वो डे टू है। तो आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? लोकल मार्केट। जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ कल भी पंकज जी थे और आज भी पंकज जी हैं। देखो थोड़ा मैं भी हूँ शामिल जी। तो अभी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। कल से बारिश होना स्टार्ट हो गया था रात से मसूरी में और मुझे लगता है कि जल्दी स्नोफॉल हो जाएगा। और आसपास का व्यू थोड़ा नीचे जाके दिखाएंगे। अभी सीधे हम माल रोड को निकलेंगे और जो भी नियर बाई प्लेसेज होंगी वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। पहले तो वेलकम बैक टू दी चैनल, होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। सो दिस टाइम आई बैक विद अनदर ब्लॉग। ओहो चल दिए हम माल रोड को। मजा आ रहा है, वो ठंडा हो रहा है यहाँ। बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। हाथ लाल हो चुके हैं, हाथ कान और बाकी सारे अंग। ये मतलब कान वान बहुत ज्यादा ठंडे हो रहा है, खुल चुके हैं शरीर के। मैं आपको बोल दूं बंद करके रखें, ठंडी हवा ना जाने पाए। ठंडी हवा ना जाने पाए। और मसूरी में अरमान हमारे सारे धरे के धरे रह गए। हम लोग पहुंच चुके हैं माल रोड और ये माल रोड वाला एरिया है। ये पार्किंग का ऊपर कोई पार्किंग को रास्ता जाता है और यहाँ से हम लोग आए थे लखनऊ पान मंडा। हाय हाय लखनऊ पान भंडार। आते समय खाएंगे पान एक एक, आज समय एक एक पान खाएंगे। तो ये भी ये जो मसूरी की माल रोड है यहाँ पे हमने एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। और पंकज हमारे टोपी बहुत सेक्सी लग रही है पंकज भाई जी। अभी तो शॉप जो है खुलना स्टार्ट ही हुआ है और ठंडा बहुत ज्यादा है। सुबह सुबह टोपीज आप देख रहे हैं, वुलन टोपीज बहुत ज्यादा रहेगी। हाय हाय देखो देखो भाई स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल स्नोफॉल। ओए भाई आप लोग देख रहे होंगे बहुत सही स्नोफॉल अभी हम लोग ने देखा है और उधर भी स्नोफॉल हुआ है यार। भाई ये हमारे चचा का रेस्टोरेंट है, आप लोग जरूर आए। तो माल रोड आने का एक्चुअल हमारा क्या मतलब था वो पंकज बताएंगे हमें। मैं आपको बताता हूँ हमारा माल रोड आने का असली मकसद क्या है। हम कोई एक्सप्लोर करने नहीं आए हैं। 14 तारीख को है वैलेंटाइन और गर्लफ्रेंड बोली कुछ नहीं किया आना और हमें मालूम है कल से हम बिजनेस में बिजी हो जाएंगे। बट आज हम सोच रहे हैं चले। जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा वो मसूरी में माल रोड में जब आता है तो यहाँ से एक व्यू पॉइंट होता है, तो वो व्यू पॉइंट होगा और आप लोग इन्जॉय करेंगे। पहले बैक साइड पर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, पास जाके दिखाता हूँ। ओ भाई क्या है व्यू। भाई बहुत सही व्यू लग रहा है, देखो कितना अच्छा बादल आ रखे हैं और ऊपर उधर ऊपर साइड में स्नोफॉल भी हुआ है। और भाई ऐसे 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 छोटे जो मकान है इनकी जो छत है ना बहुत कलरफुल लग रही है, तो बहुत भी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। बारिश स्टार्ट हो गई, देखो हम लोग भीगते हुए जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी जहाँ पार्क हुई है धनौल्टी वाले रास्ते में स्नोफॉल हुआ ऊपर। अभी जो हो रहा है आम स्नोफॉल हो रहा है जैसा पंकज ने आपको बताया, ऊपर जो है मेंटोस स्नोफॉल है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं। ये जो एक्सप्रेशन होता है फर्स्ट टाइम देखना जो स्नोफॉल देखने जाते हैं उनका होता है। और देखो ये मिरर में आगे स्नोफॉल पड़ रही है लेकिन वाइपर इसको साफ कर दे रहा है क्योंकि आगे विजिबिलिटी होना ही बहुत जरूरी है। ये कहूंगा कि आप शुक्रगुजार हैं हितेश जोशी का जो आपको स्नोफॉल गिरते हुए ये लाइव दिखा। बहुत तगड़ा हो रहा है गाइस, बहुत ही वंडरफुल स्नोफॉल हुआ है। आप लोग देख रहे हैं वी आर हेडिंग टुवर्ड्स धनौल्टी। तो धनौल्टी हम लोग जा रहे हैं और मेरे गाड़ी से बाहर निकलने का मतलब ये था रीजन। बहुत सही व्यू आ रहा है। ओए ओए छोटी छोटी स्नोफॉल पड़ रही है, ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है मुझे। ये आप लोग व्यू देखो यार, भाई ऑसम यार, भाई बहुत सही लग रहा है यार। आप लोग देखो कितना मतलब बर्फ से ढका हुआ कितना बहुत कंप्लीट लग रहा है भाई। देखो बहुत ठंडा हो गया भाई और बहुत सही सही आ रहे हैं यार। ये देखो
मतलब ना मतलब मैं कैमरे को कट नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो को स्टॉप नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा उधर तो पूरा स्नो से ढका है। ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है लाइव स्नोफॉल का, और मेरे ही मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को ये लाइव स्नोफॉल दिख पाए, और मतलब इसको आप इन्जॉय करें, और डनॉल्टी ज़रूर आना है, हम लोगों का फर्स्ट टाइम है, काफ़ी लोग इसमें से फर्स्ट स्नोफॉल लाइव स्नोफॉल देखने वाले हैं। पहली बार देख रहा हूं, पहली बार श्यामल जी पहली बार देख रहे हैं, पहली बार देख रहा हूं। यार भाई पूरा ढक गया ये तो स्नो से, फोन तो काफी देर के बाद हम लोग बाहर उतर चुके हैं, गाइस हम पहुंच चुके हैं, फाइनली डनॉल्टी आ चुके हैं, और स्नोफॉल आप देख रहे हो अभी तक हम देख, चाय सबके लिए कर लेते हैं, एक दो तीन चार, हाँ चाय कर दीजिए भैया, एक दो तीन चार पाँच छः, मस्ती बना देना चाय, यहाँ चाय आने के बाद चाय नहीं पी तो कुछ नहीं भैया। ओहो असम भाई, और नीचे चलेंगे भैया, नीचे जा सकते हैं क्या हल्का फुल्का? भाई बहुत सही लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, धनौल्टी वाले रूट पे हम लोग पहुंचे, अभी देखो ये स्नोफॉल से सब खेलने लगे ये गिर चुका वो लोग सब ऊपर एंजॉय कर रहे हैं, मैं नीचे लाया, काफी कूल लग रहा था बहुत ज्यादा। तो भाई अब हम आप लोग को दिखाएंगे अपनी स्नो फाइट, ऐसे स्नो फाइट हो गया रेडी, जो अब स्नोफॉल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, अगर आप लोग को दिख रहा होगा ये कैमरे के आगे भी आ जा रहा है, बार बार मुझे साफ करना पड़ रहा है, और मेरे पे भी दिख रहा होगा आपको कि स्नोफॉल ज़्यादा हो रहा है, भाई इंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल को, देखो कितनी तेज़ विंड, मतलब विंड के थ्रू ये जो स्नोफ्लैक्स हैं तेज़ तेज़ मुँह पर लग रहे हैं, और ऐसा कुछ नज़ारा है घाटी का। वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा अभी हमारा ये धनौल्टी जाने में, तो ये मसूरी से आगे पड़ता है अप्रॉक्स 35 से 25 किलोमीटर के अप्रॉक्स पड़ता है, तो आप लोग आ सकते हैं, बहुत अच्छा स्नोफॉल है, और एक कुछ अच्छी चीज़ बताते हैं हम आपको भाई, मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा हमारा यार, कोई मिस नहीं करना चाहते हैं इस एक्सपीरियंस को गाइस, अगर जन्नत है तो कश्मीर में है भाई, कश्मीर भाई, ये मसूरी है, मसूरी यहाँ भी है भाई जो व्यू है नीचे का जो कितना बहुत सही है, देखो नारायण, अगर आप एक डेली व्लॉगर या ट्रेवल व्लॉगर हो या आप नॉर्मल व्यूअर हो तो आप लोग का भी ड्रीम होता है कि ऐसे स्नोफॉल में आप लोग आए, तो कभी कभी बाय लक आपको मिल जाता है चांस ऐसा लाइव स्नोफॉल देखने का, हम लोग ने सोचा नहीं था कि डनॉल्टी आएंगे, डनॉल्टी थोड़ा बहुत रॉन्ग हो रहा हो जो भी, लेकिन वंडरफुल एक्सपीरियंस, अभी जहाँ खड़ा होना अपनी गाड़ी आ चुकी है, पर अभी इसी में बैठ के हम वापस निकलेंगे, क्योंकि कोई भी चांस नहीं लेना चाहते हैं कि स्नोफॉल झाड़ रहे हैं इसको।
स्नोफॉल में स्नोफॉल जब हो रहा था बहुत सारा हमने स्नो फाइट करी, आप लोगों ने देखा होगा कान के अंदर अंदर इन्होंने बर्फ डाल दी है तो ये राजन सर ने ज्यादा डाली है। तो अब देखो यहाँ पे स्नोफॉल कम हो चुका है तो अब लोग हम लोग वापस जा रहे हैं। तो आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को देखो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जल्दी बोलो मसूरी पहुंच जाएंगे इतनी देर में। देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, सब्सक्राइब करके जाना। तो यहीं पे ब्लॉग को क्लोज करते हैं, आप लोग एंजॉय करो वीडियो को और आपसे मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कुछ अच्छे म्यूजिक के साथ ये ब्लॉग को हम क्लोज करते हैं, बने रहिए, प्यार दिखाते रहिए।